हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्यतः हमारे पास हर वक्त कॉपी और पेन नहीं होता, लेकिन हमारे पास मोबाइल हमेशा अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल के माध्यम से आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी नंबर एक्स का वाई परसेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि परसेंट होता क्या है। पर का मतलब प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक 100 में। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि अगर कोई वस्तु जो है हमारा 100 रुपीज का है और उस पर 5% का अगर हमको छूट मिल रहा है, तो कहने का मतलब 100 रुपये में हमको 5 रुपया कम देना है। कहने का मतलब हमको 95 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा उस वस्तु को अगर हम परचेस करते हैं तो। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मानते हैं कि अगर कोई वस्तु हमारा जो है 400 का है और उस पर हमको 5% छूट मिल रहा है, तो कहने का मतलब 400 में हमारे 100-100 के जो है 4 नोट होंगे और प्रत्येक 100 पे हमको 5 रुपये का जो है छूट मिल रहा है, तो टोटल हमको 5, 4 या 20 रुपीज़ हमको छूट मिल जाएगी और वह वस्तु हमको 380 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर किसी संख्या x का अगर हमको y परसेंट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा कैलकुलेशन का जो फार्मूला होगा कि x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और सीधे मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और हम बताते हैं कि किसी संख्या x का y परसेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मानते हैं कि हमारा x जो है 400 है और जो y हम इस 400 का हमको जो है y परसेंट, y का मतलब हमको 30% कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहले हम मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन कर लेंगे और दोस्तों, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 400 का हमको 30% कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला तरीका है कि सबसे पहले हम 400 लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि इसका 30% निकालना है तो यहाँ पे हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आ रही इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवीज़न साइन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे पुनः 100 लिखेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि 400 का जो है 30% हमारा 120 होगा। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो हम सबसे पहले 400 का 30% कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे 400 लिखेंगे इनटू यहाँ पे 30 लिखेंगे और 30 लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो परसेंटेज साइन आप देख रहे हैं इस पर हम प्रेस करेंगे, तो देख रहे हैं दोस्तों हमारा सीधे 120 यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।